हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के चैप्टर 11 सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर ले इन्वेस्टर के ऊपर। दोस्तों, इससे पहले हमने बाकी 10 चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल पर द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने हमें बताया है कि जो नए इन्वेस्टर हैं उनको कंपनीज़ को कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, मार्केट में कैसे उसे एनालाइज करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए उस कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि हमें उस किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के मैनेजमेंट, उसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस, उसके फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है द कंपनी जनरल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस। तो दोस्तों, इस पॉइंट में बेंजामिन ग्राहम जी ने एक्सप्लेन किया है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में पता करना चाहिए। क्या उनका रिवेन्यू मॉडल है, कहाँ से उनको रिवेन्यू आता है, उनकी सेल्स में कितना पार्ट क्रेडिट का है, कितना कैश का है, उनके प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी है पास्ट 5 to 10 ईयर्स में, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों, सेकंड पॉइंट द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजमेंट। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उस कंपनी के मैनेजमेंट में कौन कौन है, कौन कौन लोग उस कंपनी को रन कर रहे हैं, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन है, कितना उनका एक्सपीरियंस है उस इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, और प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उस पर कोई फ्रॉड केस या कोई चार्जेस तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। दोस्तों, थर्ड पॉइंट द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। इस पॉइंट में बेंजामिन ग्राहम जी ने एक्सप्लेन किया है कि हमें इस कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी का प्रॉफिट कैसा है, उस पर ज़्यादा डेट तो नहीं है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के जान सकते हैं, लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तीनों चीज़ें पढ़ के हम कंपनी के पूरी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि कंपनी कैश जनरेट कर रही है, वो ज़्यादा डेट पर ही रहती है, तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कंपनी की जो कैपिटल होती है, टोटल लाइबिलिटी साइड आप देखते हैं बैलेंस शीट में, उसमें कितना परसेंटेज डेट का है और कितना शेयर होल्डर्स फंड का है। बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कैपिटल में 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर का पैसा होना चाहिए, नहीं तो कंपनी ज़्यादातर डेट पे ही रहती है और उसे ज़्यादा डेट होने की वजह से ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए डेट लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए कंपनी में, और कंपनी में ही इतना दम होना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा कैश जनरेट करे और अपने डेट को भी रिड्यूस करे, ना कि अपने डेट को बढ़ाए साल दर साल। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है इट्स डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड। तो कंपनी का डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है पास्ट में। अगर कंपनी का साइज स्मॉल है तो अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल एक्सपेंशन के लिए कर सकती है, पर कंपनी का साइज बहुत बड़ा है, वेल इस्टेब्लिश कंपनी है और वो कंपनी सिर्फ प्रॉफिट को एज ए रिजर्व रख रही है, उसका इस्तेमाल नहीं कर रही कैश का, तो ये अच्छा होता है कि डिविडेंड के तौर पर बांट दिया जाए। बट कंपनी उसका इस्तेमाल नहीं करती तो उन कंपनीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम जी की बुक का चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 में उन्होंने कंपनी को कंपेयर किया है, तो हम चैप्टर 14 में के ऊपर बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज द माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स पर भी बता सकते हैं, अपने टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोस को। थैंक यू। जय हिंद।